ये जब भी लाइव जाता हूँ मैं, इंस्टाग्राम कुछ ना कुछ जरूर चेंज कर देता है। पता नहीं क्या बना दिया इसका, ये क्या है ये साइड में। ओ फक, मैं लाइव जा चुका हूँ। इंस्टाग्राम की बहुत अच्छी रहे मम्मी, बहुत सही। क्या बात है, क्या हाल है सबके। ये मैं जब भी लाइव जाता हूँ, इंस्टाग्राम अपना हड ओवरले चेंज कर देता है। ऐसे क्यों, ज़्यादा ही कॉपी हो रहे हैं अपडेट। मुन्ना भैया की कॉपी, अरे ये कैसी बात हुई। मुन्ना भैया हमारी कॉपी हैं, मुन्ना भैया की। पहले मैं आया था, मुन्ना भैया आए थे, चेक कर लो डेट। कब का है मिर्ज़ापुर, 2018 का है मे बी, मैं 16 का हूँ बहनचोद। और क्या हाल है सबके, क्या टाइम हो। यो, हाँ, एक बजने वाला है, चश्मा कहाँ से लिया, मुझे भी ऑर्डर करना है। ये बार बार ना, ये पुअर कनेक्शन, अब पुअर कनेक्शन आया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक सेकंड रुकना। हाँ पता नहीं फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन हो जाता है। एनीवे, क्या टाइम हो रहा है, एक बजने वाले हैं, काफ़ी ये कैसा कोजी टाइम है थोड़ा। मैं बस जस्ट अभी काम करके हटा था और फिर मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए, और मैं किसी फैसले पे नहीं पहुंच पाया सही बताऊं तो। पहले मैंने सोचा था मैं लाइव कर लेता हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार कुछ और कर लेते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा घूमते घामते आइडियाज़ के बीच में हम मैंने डिसाइड किया कि लाइव ही चले जाएंगे, थोड़ा बतिया लेते हैं तुमसे, लंड दिखाओ, यही तो सुनना है रात के 1 बजे इंसान को, और क्या सुनना है इंस्टाग्राम पे, लंड दिखाओ बस। अभी 1 मिनट देखने दो। हाँ ये देखो, ओके ये मेरा हाथ है। एनीवे, ये फ्रेशनर, इस यही देखना था ना तुम्हें, ये फ्रेशनर, इंजॉय दिस फ्रेशनर। बहुत 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 सारे लोगों का मुझे मैसेज आया था ये फ्रेशनर दिखाने को, पता नहीं क्यों। देख लिया तुम खुश हो गए, मुझे नहीं पता क्यों तुम्हें फ्रेशनर की फैटिशे हो रही हैं, पर ले लो मजे ले लो। हाथ था बीसी, हाथ नहीं फ्रेशनर था, उससे पहले मेरा हाथ था भाई। मेरा हॉटस्पॉट ले ले, इतना बेकार नेट कहाँ से देगा तू हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट लेने के लिए भी तो हॉटस्पॉट होना चाहिए ना, वो वाली बात है ना, जैसे कुछ मतलब अगर पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए, वो वाली बात है। इंटरनेट और अच्छा मतलब इंटरनेट चलाने के लिए भी इंटरनेट चाहिए। ओके अब मैं सेंस नहीं बना रहा हूँ, कुछ तुम ही बता दो यार, इससे पहले मैं और कुछ बकचोदी कर दूँ। हेलो हेलो हेलो, शाउट आउट यार, तुम इंस्टाग्राम पे भी शाउट आउट ही ले लो। आपके चश्मे का नंबर क्या है, कितना है मेरा, -5। ये बार बार पुअर कनेक्शन कर रहा है, पुअर कनेक्शन क्यों कर रहा है ये। ब्रो लव यू, बिग फैन, थैंक यू। और बताओ क्या चल रहा है यार, मैं तो वेट कर रहा हूं कि ये साल ना खत्म हो, जल्दी खत्म हो, ऐसे जुक करके खत्म हो जाए बस। जितनी जल्दी ये साल खत्म होगा ठीक है, उतनी जल्दी थोड़ा दिमाग पे, दिमाग में पीस आएगी, समझ रहे हो, पीस आएगी थोड़ी दिमाग में। जब दिमाग में थोड़ी पीस आएगी तो फिर जिंदगी वापस बढ़िया हो जाएगी। पीस इज मिसिंग, या फिर ऐसे कहो कि कुछ ज्यादा ही पीस हो गई है, ऐसे भी है, ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा ही पीस हो गई है। यस पीस, पुर्जे की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल।
ये ना तुम ऐसे शाउट आउट मत मांगा करो, ओके? अबे इंस्टाग्राम कर क्या रहा है इंस्टाग्राम, व्हाट आर यू डूइंग? कहीं और चलते हैं, आओ थोड़ा सैर करके आएंगे इन द डार्कनेस। डार्कनेस में सैर, कोई देख ना ले, जो दरवाजा बंद नहीं हुआ है। माय होम एडवेंचर्स, टेने टेने टेने, एक मिनट, तुम्हें आवाज आ रही है हल्की सी? मतलब मैं दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें आवाज आ रही है? शादी के सीजन चल रहे हैं और कुछ नहीं, मैं तो तभी उठता नहीं हूं, मैं सुबह उठता नहीं हूं। मैं सुबह क्यों नहीं उठता हूं? क्योंकि कम से कम मेरे मान लो घर के चारों ओर से कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई ना कोई कील ठोकता ही रहता है जब सुबह का टाइम होता है। तो मैं तो उठता हूँ शाम को 6-7 बजे। अब इस टाइम देख लो कोई मतलब ऑब्वियसली शादी चल रही है, वो अलग बकचोदी है, पर वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शांति, पीस, समझ रहे हो, पीस पुर्जे वाले। योड़े मेरे, योड़े, ऐसे पता है कभी कभार 3-4 दिन बीत जाते हैं जब अपने कमरे में आता नहीं हूं मैं। योड़े, शकल दिखा दे अपनी। मैं सोच रहा हूं कि योड़ा को रिप्लेस कर दिया जाए। क्या योड़ा को रिप्लेस कर दिया जाए किसी और चीज से? क्योंकि आई थिंक ये काफी सालों से अपनी जॉब कर रहा है और इसको किसी और चीज की जरूरत है, और इसकी जगह किसी और को लेनी चाहिए। नहीं क्यों, क्या दिक्कत है? व्हाट इफ हम एक बेटर योड़ा ले आए? है गांड गा रहा अपनी, देख हट। चे चने, कैसा लग रहा है तुम लाइफ पे आके एक डॉल की गांड देख रहे हो? नो 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 नो, वो सिक्का क्या कर रहा है यहाँ पे? वाओ, मेरा घर कितना लकी, मेरे को एक सिक्का मिल गया 5 रुपए। यस, फन फ्लिप्स आ जाएंगे इससे। तुमने फन फ्लिप्स खाए हैं? बचपन में मेरे फेवरेट होते थे। मैंने अभी रिसेंटली अपने पापा से पूछा क्या फन फ्लिप्स मिल रहे हैं। बहुत ही वैसे अजीब बात है कि मैं अपने पापा से क्यों पूछूंगा, बट ऐसे ही मैंने पूछा फन फ्लिप्स मिल रहे हैं, तो उन्होंने बस मेरी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा, और फिर जाते जाते बोला बड़ा हो जा। उन्होंने कहा पापा बड़े हो रखे, बहुत बड़े हो रखे हैं, कोई सीन नहीं है, ये बताओ फन फ्लिप्स कहाँ मिलते हैं? भाई क्या तुम RTX 390 यूज करते हो PC में? नहीं यार, RTX, GTX, VTX कुछ नहीं यूज करते हम, अपने PC को क्लीन रखते हैं। वो एक ट्रिक होती है ना, वो वाली कौन सी होती है, मैजिक वाली, ऐसे करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, कहाँ गया, ऐसे करके, कैसे होती है वो, कोई कर, तुम में से कोई कर सकता है ये ऐसे करके, वो क्या होती है? मेरे से तो नहीं होती। आई हैव रिटर्न अ पोएम फॉर यू, तो सुनाओ, मतलब भेजो, कुछ करो। यस, तुषार तू कर सकता है, तू ऐसे ऐसे कर सकता है। बहुत पेशेंस नहीं चाहिए इन कामों के लिए, मेरे से कभी ना ऐसे ही छोटर पुटर वाले काम नहीं होते कभी मेरे से आज तक, ये जैसे रूबिक्स क्यूब है ये सब, वो सब सॉल्व नहीं होता मेरे से। मुझे नहीं समझ में आता कैसे करते हैं लोग, घुमाते रहो, उसके तरीके होते हैं, लेकिन खुद से कभी मैंने ऐसे मैं कर ही नहीं पाया फिगर आउट कि कैसे करना है उसे।
हेंस हम यूट्यूब कर रहे हैं. इतना दिमाग होता हम साइंटिस्ट ही बन जाते. क्या दिक्कत है. ओ अंगूठियां भी पड़ी हैं. ये अंगूठियां मुझे ये भी नहीं पता है असली है कि नकली है. ये मैंने उसमें पहनी थी वो वाले में. हाँ ये शूट के वक्त पहनी थी मैंने. मुझे पता नहीं असली है कि नकली है. फर्क क्या पड़ता है. इनका काम हो गया जो होना था. ये देखो ये वाली दूसरी असली हीरा है. असली हीरा हाँ दिखना रहा असली हीरा. हीरे की पहचान है तुम में से किसी को है. मैं बता रहा हूँ असली. अरे असली 1.5 लाख की अंगूठी है. 1.5 लाख कह रहा हूँ मैं. 1.5 करोड़ की अंगूठी है ये. 1.5 करोड़ की. और ये वाली 2 करोड़. 1.5 और 2 कितने होते हैं पता होता तो मैच ही कर लेते हम. और उसके साथ ये 5 रुपए. तो मेरे इस काउच के इस पॉकेट में मान लो ऑलमोस्ट कितने 1.5. और वो कितने की थी. कितने की बोली मैंने. वो दूसरी वाली कितने की थी. 1 की थी ना. हाँ 1.5 करोड़ 5 रुपए मेरी इस पॉकेट में. मेरे इस काउच की पॉकेट में 2.5 करोड़ 5 रुपए हैं. तुम्हारी पॉकेट में कितने हैं. कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी पॉकेट में कितने हैं. 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ काफी डेवलपमेंट भी हुई है मेरे शरीर में. मतलब वैसी डेवलपमेंट नहीं जैसी तुम सोच रहे हो. कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं चढ़ी है मेरे ऊपर. पर मैंने नाखून खाने बंद कर दिए हैं. मतलब काफ़ी हद तक देखो. मतलब इतना फ़र्क नहीं है पर हाँ देखो काफ़ी बढ़ गए हैं पहले से. ये देखो काफ़ी बढ़ गए हैं पहले से. अभी भी बुरे हैं. धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे पर हाँ कंट्रोल कर रहे हैं हम. पॉकेट में है रॉकेट. यस ये पीछे वो बैग. ये बैग तो तुम्हें याद ही होगा आर्टिक फॉक्स वाला. ये पुराना बैग है NBA वाला बैग है ये पुराना. और वो भी आर्टिक फॉक्स ही. $5,000 रखें. कहाँ से आता है इतना पैसा तुम्हारे पास. कहाँ से आता है. मैं कह रहा हूँ ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहाँ पर पैसा वैसा ये सब कुछ हो ही ना. हर चीज़ चले बाटर पे कि तुम मुझे एक चीज़ दो और मैं तुम्हें एक चीज़ देता हूँ. सिंपल प्लेन. पैसा गया भाड़ में ही. फिर भाई जितनी मेहनत से इंसान कोई चीज़ कोई वैल्यूएबल चीज़ ढूंढेगा वो उतना अमीर. और जो आलसी बैठा रह जाएगा कुछ ढूंढेगा नहीं गरीब. सो सिंपल. क्या दिक्कत है. घड़ी गलत टाइम बता रही है. अरे क्योंकि चल रहा है ना इसलिए. जब गलत टाइम चलता है बुरा वक्त चलता है तो घड़ी भी गलत हो जाती है. ये देखो क्या चल रहा है टाइम देख लो. पैसा गया मराने क्या भाई. अरे भाई मजे नहीं आ जाएंगे. कितने मजे आ जाएंगे. मतलब जितनी तुम पैसों के चक्कर में अपने दिमाग में कैलकुलेशंस करते हो छोटी मोटी हल्की फुल्की सी वो सारी खत्म हो जाएंगी. सिंपल बार्टर कितना सही है. मजा आ जाएंगे. मे बी कोई ऑल्टरनेट डायमेंशन में ऐसा हो रहा होगा ऑलरेडी जहां पर. हाँ हो ही रहा होगा यार. वरना वैसे काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है इंटर डायमेंशनल स्पेस स्पेशलिटीज. इंटरडाइमेंशनल स्पेस स्पेशलिटीज. यस ऐसे अलग डायमेंशन में मैं कोई और ही हूँ. तुम कोई और ही हो. मैं अगले डायमेंशन में क्या मैं क्या होऊंगा अगर मेरी डायमेंशन दूसरी होगी. पता नहीं. हो सकता मैं अडॉप्टेड होऊंगा. हाँ मैं अडॉप्टेड हो सकता हूँ क्योंकि इस वाले में मेरे को पूरा भरोसा है कि मैं अडॉप्टेड नहीं हूं.
तो उस वाली में मैं अडॉप्टेड जरूर होऊंगा. यस मेक्स परफेक्ट सेंस. इंडिया में पहले बाटरी होता था वास्तु विनिमय का नाम के नाम से. यस आई नो पहले भी बाटर होता था पर दोज वर सिंपलर टाइम्स. धीरे धीरे पता है क्या हो गया, धीरे धीरे लोग शाणे होते चले गए. ठीक है, जो एक बेसिक भरोसा होता है वो उठ चुका है. तो अब दुनिया जैसे चलती है वैसे चलती है. इस दुनिया को चाहिए प्रूफ. यहां जुबान से कुछ नहीं होता. आई थिंक जैसे जैसे हम प्रोग्रेस भी करते चले जाएंगे स्ट्रेस भी बढ़ता चला जाएगा. हमारी जनरेशन आगे आने वाली उनकी तो फट जाएगी, मजा आ जाएंगी उनकी फट जाएगी. मतलब तुम मान लो जितना अभी हमें स्ट्रेस होता है ना उससे कम 5 गुना ज्यादा तो उन्हें होना चाहिए. उतना तो होना चाहिए. ठीक है, उतना तो मतलब किस्मत डिमांड करती है कि हो. ठीक है, उसके बाद ज्यादा हो रहा है तो वो अलग बात है, पर उतना तो होना चाहिए. और जो कि होगा मजे आएंगे क्योंकि तब तक तो हम रिटायर होके हम तो बूढ़े हो लेंगे, क्या दिक्कत है. हम तो आराम से बैठ के देखेंगे, लगाओ भाई यहां कभी यहां चुद्दी लग रही है कभी वहां चुद्दी लग रही है, बढ़िया. और बताओ मोहित इतने सारे एक्सक्लेमेशन मार्क्स क्यों. ये इमोजीज का ना बहुत ही गलत फायदा उठाया जाता है कभी कभार. इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं इमोजीज. ऐसे कुछ भी मैं छोटा सा टेक्स्ट लिख के इतने सारे इमोजीज भर दो. इंस्टेंट गिल्ट. भाई नेक्स्ट हॉरर गेम कब खेलेगा. अरे वो आ रही है. कौन सी आ रही है, बाबा जी ज्ञान मत पेलो. अरे यार सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं ज्ञान पेल रहा था. क्या पेलूं और क्या पेलूं बताओ यार, मैं इतना अकेला हूं, मैं बस ज्ञान ही पेल सकता हूं इस वक्त, और कुछ है नहीं मेरे पास. एनीवे क्या कह रहा था मैं, क्या कह रहा था मैं भूल गया. क्या कह रहा था मैं, बिग बॉस को लपेट लो फिर से. लपेटेंगे, जरूर लपेटेंगे, क्यों नहीं लपेटेंगे. मजा आएगा, बहुत मजा आएगा. साइला इस टाइम पे क्यों भाई, मेरा तो यही टाइम है. मैं तो कह रहा हूं ये मेरा बेस्ट टाइम है. किसकी स्ट्रेस की बात कर रहा था, स्ट्रेस की बात कर रहा था मैं. नहीं वो तो खत्म हो गया था ना, लेकिन फिर भाई हिला लिया. तुम कभी कभार कौन सी भाषा लिखते हो मेरे को समझ में नहीं आता है. मतलब एक समझ में आती है मुझे कि किसी की मतलब कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड खुला हुआ है ठीक है, तुम आई लिख रहे थे यू गलती से दब गया, वो मेरे को समझ में आता है. पर जब तुम आई लिखना चाह रहे हो तो जेड कैसे दब रहा है, दिक्कत वहां है. क्योंकि अपना एक बार कीपैड खोलो, मेरे सामने अपना कीपैड खोलो, उस पे देखो आई और यू कहां है. तो यू की जगह कभी कभार आई अंडरस्टैंडेबल है, पर बेंचो जेड कहां से आ गया, यू से तुम जेड पे कैसे चले गए सीधे. ये कैसी एरर है, ये एरर है, ये जानबूझ के वाला एरर है. या तो तुम ऐसे सर देके मार रहे हो अपना कीपैड पे, जो दब गया दब गया, हो गया. मैं मेरी इंटेंशंस जो थी अपने दिमाग में सोची, जो मुझे कहना और भट्ट देके मारा, पूरा मैसेज टाइप आउट हो गया. या तो तुम ऐसे कर रहे हो. प्रो कोई तगड़ा रोस्ट करो. कौन सा तगड़ा रोस्ट करे बताओ, कैसा तगड़ा रोस्ट करे. ये अपने पिन नंबर मत लिखो, ये सब क्या हो रहा है मत करो ये. ऐसे ना मेरे को लग रहा है कि अब मैं धीरे धीरे ना ऐसे क्या, मैं एक टीचर बनता जा रहा हूं.
फिर तुम मेरा टीचर की तरह मजाक भी उड़ाओगे, मेरी बात नहीं सुनोगे। फक, या तो फिर मैं ही बुरा हो जाता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ बुरा हो जाता हूँ। फक इट, फक द वर्ल्ड, फक द सोसाइटी, मैं भी तुम्हारे साथ बुरा हो जाता हूँ। अजय पता है लड़कियों को भी फ्रेंड जोन कर दिया जाता है, ये कहाँ किसने लिखा है, ये चाणक्य ने लिखा, ये किसने लिखा है, ये मैंने नहीं देखा, नहीं मैंने सुना भी नहीं, कोई हवा मेरे कानों में नहीं गई जो ये बोल रही थी कि लड़कियों को फ्रेंड जोन कर दिया जाए, मैंने नहीं सुना। होता होगा मे बी, वो कह रहा हूँ ना पैरेलल डायमेंशंस होती हैं, ऐसा होता, कुछ कुछ काम होते हैं वहां पे। भाई बोल क्या हुआ, मूवी देखते देखते आया, अरे भाई यार मूवी देखते देखते आया, कहां से मूवी देखते देखते आया, कहीं गया था मूवी देखने, कहीं प्रोजेक्टर लगा रखा तुमने। चूतिया बनाने की निंजा टेक्निक, टीचर्स बैड वर्ड्स यूज नहीं करते। अबे तुम टीचर रूम में जाओ ना, वहां तुम्हें पता चलेंगे बैड वर्ड्स क्या होते हैं। अबे ये बताओ तो रिएक्ट क्यों करेंगे अगर उन्हें पता ही ना होगा कि तुम क्या कह रहे हो, अगर उन्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो तो वो रिएक्ट क्यों करेंगे। ऑब्वियसली पता है क्योंकि वो भी बच्चे रह चुके हैं तो वो चीजें समझते हैं, मे बी, पता नहीं, सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं। ओके मुझे किया है फ्रेंड जोन, अबे फ्रेंड जोन नहीं किया, उसको यकीन नहीं हो रहा होगा, बस फर्क है उसमें, वो प्रेशर, उतना प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाया होगा, कर फक ये क्या हो रहा है, पैनिक कर गया वो। शिक्षा का स्टार, शिक्षा, मैं यार शिक्षा का स्टार, पता नहीं, वो शिक्षा से पूछो मैं उसका स्टार हूं कि नहीं। लगाते रहो जब तक ना लगे, क्या ना लगे यार, अब मैं ऐसे ना बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, कुछ कर लो या करवा दो, कुछ बता दो कुछ, वरना तुम तो हो लिए, तुम्हें तो मजे आ लिए, मेरे भी थोड़े मजे करवा दो यार। भाई तू बैटरी है, चार्ज कर दे बहन चो, फिर ये क्या इंटरेस्टिंग बात है, ये अश्लील बातें लिख रहे हो, ये अश्लील बातें लिख रहे हो, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है। पबजी कब आ रही है, पबजी कब आ रही है, मुझे कैसे पता होगा, हम पबजी खेलते हैं, हम पबजी बनाते नहीं हैं। डांस करो, पानी के साउंड इफेक्ट्स, ना क्या कर रहा हूं यार मैं, भाई लंच पे वाटर कलर लगा, ओ हो, आर्टिस्ट हमारे बीच एक आर्टिस्ट है, लंच पे वाटर कलर लगाने को कह रहे हैं, बहुत सही। कभी भी लाइव आता है तुम्हें, मैं ये देखो ये ऐसे में बता के नहीं आया था, ना कोई प्लान था मेरा आने का, बट ये बस एक सडन इंपल्सिव डिसीजन है। पीचू, पीचू क्या होता है,
तुम मेरी वायरिंग देखना चाहोगे? वायरिंग तुम बस देखना चाहोगे, बर्बादी है, बर्बादी देखना चाहोगे? एक बार मेरे को दिखती है, इसको साफ करना पड़ेगा बहुत जल्द, पर मेरे को दिखती है, काफी काफी बुरी हालत है इसकी। ये देख लो, ये देखो जी, ये देख रहे हो, बर्बाद है पूरी टेबल, लिटरली बर्बाद है। अब पता है वैसे मेरा इतना मन नहीं करता जैसे पहले मेरा बहुत मन करता था, मैं बात भी चलते चलते करता था सारे काम जैसे अभी कर रहा हूं मैं, ओके हाँ जैसे मैं अभी कर रहा हूं, पहले मैं मतलब अब थोड़ा ऐसा सीन हो गया, मेरे को बैठना आ गया कि मैं जब कुछ कर रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं तो मैं बैठ सकता हूं, वरना मैं हमेशा खड़ा होता था। और मैं क्या करता था मैं बताता हूं, मैं जब कुछ भी सोच रहा होता था लिखता था ना, मैं बताता हूं मैं क्या करता था। इट्स वेरी डेंजरस, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट योर होम, ठीक है, बता रहा हूं। पर मैं लेता था ये बनाया, एक इसमें किया यूं डा, बहुत ही अजीब हरकत है, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों करता हूं, बट इट जस्ट मतलब काम करती है चीज, ठीक है, यूं किया, अब इसको घुमाएंगे, ठीक है, इसको घुमाएंगे, दो और लूप मार लेते हैं, अब इसको घुमाएंगे, ये तार है लिटरली, ये फोन के तार है, ठीक है, अब इसको घुमाएंगे और बस घुमाते घुमाते चलते रहेंगे और सोचते रहेंगे, ठीक है। एक बार मैं ऐसे घुमा रहा था, ये ऊपर वाला जो बल्ब है ना ये टूट गया था लिटरली, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही अजीब हरकत है, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों करता हूँ, और जैसी मैं करता हूँ ना ये बहुत ही नेचुरल लगती है, मैं अभी भी कर रहा हूँ वो चीज़, देख रहे हो, वो छूटा नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि वो छूटा है, मैं अभी भी वो चीज़ कर रहा हूँ। ओके फक, बोर नहीं करनी मेरे को, फिजिट 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 फिजिटी हैं हम बहुत। क्या करें यार, ओके बैठ गए हैं, ये तो मैंने भी किया है, अरे सब ने, सब एक ना एक बार करेंगे, जो ज्यादा सोचते हैं ना आई थिंक ऑलमोस्ट सभी करते होंगे कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा सीधा। जब वो आया था याद है तुम्हें, जब वो आया था, क्या आया था वो लेते थे ना, वो क्या है वो, कुलबुलाहट स्पिनर, यस कुलबुलाहट स्पिनर, उसको जब घुमाते थे तो वो लिटरली ये उसका सब्स्टिट्यूट है काइंड ऑफ, ठीक है, बट ये थोड़ा अच्छा है, ठीक है, उससे तो तुम छुटकारा कर ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो ऐसे पकड़ के यू करते रहो, वो बस इसको घुमाने की जो वो होती है ना, बस वो एक टेम्पटेशन होती है कि उसको घुमाओ और घुमाओ, जितना तेज घुमा सकते हो उतना घुमाओ, बहुत अभी भी मन कर रहा देख रहे, बहुत ही ऐसी एडिक्टिव चीज थी वो भाई। अपने बटन दिखा दो यार, अरे यार मेरे बटन खुले हुए हैं यार, कैसे दिखा दूं मैं अपने बटन, चल देख ले बटन देख लो, मैं कितनी बार दिखा चुका हूं, बहुत बार दिखा चुका हूं, ये लो बटन्स देख लो तुम, बटन्स ऐप बटन्स बटन्स, रुको स्लाइड शो एडिटिंग शॉट, जवाब एडिटिंग शॉट दिखा दिया तुम्हें पूरा, अबे यार ये भाई नई वीडियो कब आ रही है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं ना नहीं बताऊंगा, मैं दिस इज माय लर्निंग, मुझे नहीं बताना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं या क्या नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं बताना चाहिए, जब वो चीज मेरे हाथ में होगी ना बन बना के रेडी पूरी, तब मैं बताऊंगा तुम्हें कि कुछ आ रहा है, उससे पहले मैं कुछ नहीं बताने वाला तुम्हें, सिंपल सी बात, लगता है पैग लगा लिया आज, अगर तुझे लगता है ऐसे मैं पैग लगा के होता हूं तो भाई सोच, मैं नॉर्मली ऐसा हूं, अगर मैंने पैग लगा लिया तो कैसा हो जाऊंगा,
तू लाइव किस लिए आया फिर? ऐसे ही बकचोदी करने लोग और क्यों लाइव आते हैं? बकचोदी तो करने आते हैं, किसी को और कुछ है नहीं किसी पे करने को, तुम्हारे पास भी कुछ है नहीं करने को, तो हम यही तो बार्टर है, इसी चीज की तो बात कर रहा हूं मैं, यही चीज तो होनी चाहिए, बार्टर है ये, समझ लो जो है ना, ये बार्टर है, ये होना चाहिए। पैसा हटा दो, कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं हम, नई कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, पैसा हटाओ इस पूरी दुनिया से, पैसा मिटा दो। भाई करू ना प्लीज, क्या करूं भाई, क्या करना है भाई, प्रोजेक्ट लिख दे 10th का, मैं बिल्कुल लिख दूंगा, तू मेरा काम कर दे। ठीक है, तू मेरा काम कर दे, मैं तेरा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरा 10th का बैच और ऐसा प्रोजेक्ट बना दूंगा कि बल फट जाएगी सामने वाले की, ठीक है, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट बना दूंगा। तू मेरा काम कर दे, तुम क्या लिखते हो मुझे नहीं आ रहा समझ में, मैं सही बता रहा हूँ, पता नहीं भाई आपको कोई GF है? अबे ये बहुत ही ऐसे अजीब सा सवाल है, आपको कोई GF है? जैसे तुमने बोला ना, आपको कोई GF है, जैसे आपको कोई बीमार, जैसे कोई बीमारी हो बहनचोद, आपको कोई GF है? नहीं भाई मुझे कोई GF नहीं है यार, बेबी योड़ा कहाँ है? बेबी योड़ा यहीं बैठा है, योड़ा बेबी योड़ा जो भी है यहीं बैठा है। ओ यू वांट टू प्ले दैट थाईलैंड वाला गेम खेले, थाईलैंड वाला गेम खेल सकते हम, ये एक मिनट लेट्स सी। अबे 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 ओके, मेरी कॉइन्स की हैंडलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हाँ देखते हैं, लगता है नहीं लगता, उछलेगा और फिर देखते हैं लगता है नहीं लगता, नहीं रुक जाओ, नहीं लगा, रुक जाओ, लगना चाहिए, नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा, बक बेंच, अरे अरे ओए, इतना ऐसे सिक्के के साथ इतना नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। उड़े क्या करोगे? मैं मतलब बहुत ऐसे सरप्राइज नहीं हूं, लेकिन मैं इतना ऐसे फैसिनेटेड भी नहीं हूं, ठीक है। बात यह है कि जितनी बार इस चैट में लंड लिखा जा रहा है ना, मतलब कमाल है, मैं फैसिनेटेड भी नहीं हूं और मैं ज्यादा खुश भी नहीं हूं, मैं खुश हूं ही नहीं, बल्कि कह रही भाई लखनऊ का टूर कीजिए, बिल्कुल करेंगे यार, अभी तो कहीं ले चल मुझे, कहीं ले चल, जा ही नहीं सकते, कितना टाइम हो गया कहीं गए, ऐसे मैं अपनी वो गूगल फोटोज में पुरानी देख रहा था मेमोरीज, जहाँ पर ऐसे एक बीच पे बेवॉच की तरह भाग रहा हूँ मैं, ओहो ओहो मजे, तब इतने मजे नहीं आ रहे थे जितने सिर्फ सोच सोच के आ रहे थे कि कितने मजे आ रहे थे उस टाइम, अगर समझ में आ रहा हो तुम्हें तो। चिकलदारा आ जाओ, ये कहां पे है? हिमाचल आ जाओ, हिमाचल आने का तो बहुत मन है, पर वही है, पर जैसी थोड़ी चीजें शांत हो जाएंगी, थोड़ा आराम आ जाएगा इन्वायरमेंट में भी, तब आएंगे हिमाचल। बिगड़ी 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 बॉस, जम्मू आओ कभी, जम्मू आ जाए यार, जब कश्मीर जा, कश्मीर कह रहा हूँ, हिमाचल हिमाचल हिमाचल, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर लद्दाख, सब सब घेर लेंगे, यस अरुणाचल प्रदेश भी आएंगे, असम भी आएंगे, गोवा नहीं आऊँगा, जो लोग गोवा कह रहे हैं, गोवा नहीं आ रहा मैं, ना गोवा नहीं आ रहा मैं, गोवा कतई नहीं आ रहा मैं,
नेवर फॉरगेट इट। मतलब अपनी मर्जी से ऐसे घूमने तो नहीं जाऊंगा मैं गोवा, मैं नहीं जाऊंगा घूमने नहीं जाऊंगा गोवा। कोई इवेंट हुआ, कुछ ऐसा, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी बनी गोवा में तो मैं जरूर जाऊंगा, पर वैसे घूमने नहीं जाऊंगा गोवा में। मुंबई और अरे मुंबई तो यार, मुंबई तो मुंबई है, मुंबई तो आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ। अब काफी टाइम हो गया है पर ज्यादातर मुंबई तो ऐसा ही है, आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ। मेरे को तब भी मुंबई इतना पसंद नहीं था, पर मिसिंग चल रही है तो जाने का मन कर रहा है। मेरे को सही बताऊं तो इतनी जगह है ही नहीं खास जो मेरे को ऐसे कुछ मतलब पसंद हो कि मैं यहाँ चले जाता हूँ वहाँ चले जाता हूँ ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, कुछ भी नहीं है मेरा ऐसा। पर अब ऐसा सीन हो गया है कि जैसे पहले तो मैं सिर्फ यहीं घर में बैठा बैठा बहुत खुश था, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जिसको जाना है बाहर जाओ, मार्स जाओ, जुपिटर जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। पर अब ऐसा सीन हो गया है कि अब यहाँ पे भी मजे आने बंद हो गए हैं, यहाँ पे भी अब थोड़ा वैसा सा हो गया, बहुत ही ऐसे बेचैनी सी रहती है घर में बैठे बैठे। तो अब उसका ऑपोजिट क्या है घर में रहने का, कि भाई घर से बाहर जाओ। अब जब जाएंगे तो मैं भी शायद थोड़ा हिसाब किताब ठीक हो, वरना तो अभी तो बहुत ही बकचोदी हो रखी है, बहुत ही बकचोदी हो रखी है। ताऊ की मिमिक्री कर दो, अगे बेके कितनी मिमिक्री करवाओगे रे, ये कितनी मिमिक्री करवाओगे रे। टेक केयर स्टे सेफ। अरे सर रणविजय सर क्या हाल है आपके, क्या चल रहा है आपके, आप बॉम्बे में ही हो अभी भी, वेर आर यू, और आपने नए जूते लिए कि नहीं, सबसे पहले तो ये जानना है मुझे। टेक फुल प्रिकॉशन व्हेन यू गो आउट। यस बिल्कुल, पूरी पूरी प्रिकॉशन लेके जाएंगे हम, पूरी प्रिकॉशन लेके ही जाते हैं, लेकिन हम इतना बाहर जाते ही नहीं, बात तो वही है असली। और प्लस कोई नई गेम भी नहीं आ रही है। नो ब्रो लंडन, यार आप डिसअपॉइंट कर रहे हो, व्हाट इज लंडन यार, आप यूएस में रहो यार, आपको यूएस में होना चाहिए, यू बिलोंग टू यूएस। ये लंडन वंडन सर पुरानी चीजें हैं, ये पुरानी चीजें हैं। पता है लंडन जाना तब कूल था जब अंग्रेजों के टाइम पे कूल था लंडन जाना, अब नहीं है। आप गो टू यूएस। भाई सो लाओ आप, सो तो अभी नहीं रहे हम, सोऊंगा मैं कब, कब सोऊंगा मैं, सात आठ बजे सुबह। यस वाई यूएस, क्योंकि सर यूएस इज यूएस, मतलब यूएस में सब कुछ है, लिटरली सब कुछ है। ऐसा क्या है लंदन में जो यूएस में नहीं है, आप ये बताओ, मैं तो ये पूछ रहा हूं। सब कुछ है यूएस में। यूएस इज कैरीज नहीं, मेरा फेवरेट यूएस नहीं है, पर सर आई थिंक यू बिलोंग इन यूएस, आपको स्टोरीज डालनी चाहिए यूएस में। घड़ी खराब है, अरे पता है यार, बुरा वक्त चल रहा है, बुरा वक्त। अच्छा लंदन में फैमिली है ना, फिर तो जाना पड़ेगा ना ऑब्वियसली, फिर तो कंपल्शन है। करो सर आप इंजॉय करो लंदन में, हम यहाँ फरीदाबाद में अपनी मराएंगे। बिल्कुल, अरे ठीक है भाई, घड़ी में टाइम सही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं।
तू और मैं दोनों जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला। 1:30 बज गए, 40 मिनट, लिटरली 40 मिनट से हम कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। मेरे को पता भी नहीं चला कहाँ गए ये 40 मिनट। एनीवे 40 मिनट हो गए हैं, अब क्या करते हैं? देखते हैं मैं क्या करूँगा। क्या करूँगा मैं, पता नहीं, देखते कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। जिसको सोना है जाके सो सकता है, बाकी जो तुम लोग पहले कर रहे थे कंटिन्यू। आई लव यू ऑल, ध्यान रखो अपना, गुड नाइट। उन लोगों के लिए जो जा रहे हैं, मतलब सोने जा रहे हैं, बाकी कंटिन्यू, ठीक है? यार ये हर बार इंस्टाग्राम ना चेंज कर देता है, अब मेरे को पता नहीं है ये बंद कैसे होता है। कहाँ है ऑप्शन? ये कमेंट्स हो गए, ये ऐड का हो गया, ये कमेंट का हो गया, ये हार्ट आ गए, ये लाइव हो गया, ये काउंट आ गया। भाई कैसे वाईफाई काट दूं? ओ मिल गया। अबे ये रहा यार, बिल्कुल लिटरली ऐसे व्यूअर के साइड में, मैं भी चूतिया। बाय बाय।